ऐसी जन्नत में होगा जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि माला आईनुन रात वाला उदुनुन समयत वाला खतर आला कल्बी बशर, कि वो जन्नत ऐसी जन्नत है, वहाँ ऐसी नेमतें हैं कि जिस जन्नत को किसी आँख ने अब तक देखा नहीं और किसी कान ने अब तक सुना नहीं और उसका तसव्वुर भी किसी के दिलो दिमाग में नहीं आया। यानी ऐसी खूब लग्जरियस लाइफ होगी और इतनी ज़बरदस्त नेमतें होंगी, इतना ऐशो आराम वहाँ पर है और इतना इतनी पसंदीदा ज़िंदगी होगी कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कुरान में जो जन्नत की नेमतें बयान की गई हैं वो उन अल्फाज में बयान की गई हैं जो हमारे जहन से करीब तर हो, हम कुछ अंदाज़ा लगा सके। ऐसा नहीं है कि बस जो बता दिया गया कुरान में बस वही होगा और हम जो सोच रहे हैं उस तरह होगा, नहीं। जन्नत ऐसी जगह है जो हमारे इमेजिनेशन से बाहर है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें समझाने के लिए हमारी अक्ल से जो करीब तर अल्फाज हो सकते हैं और करीब तर मानी है उसका लिहाज रखते हुए अल्लाह ताला ने इन अल्फाज को इख्तियार किया कि जन्नत में नहरें बह रही होंगी, जन्नत में ये नेमत है वो नेमत है, लेकिन उसकी कैफियत किस तरह होगी, कितनी ज़बरदस्त होगी, इसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। और ऐसी ज़िंदगी है कि जब इंसान को वो ज़िंदगी मिलेगी तो वो उससे राज़ी हो जाएगा, उसे कोई कमी महसूस नहीं होगी, कोई तंगी महसूस नहीं होगी, इस बात की इसका अफसोस नहीं होगा कि भाई काश ये भी होता काश वो भी होता, नहीं। अब वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया लहुम मा यशाउन फीहा वलदैना मजीद, उस जन्नत में वो जो कुछ चाहेंगे वो भी मिलेगा और हमारी जानिब से और मजीद भी मिलेगा। यानी वो जो कुछ मुतालबा करेंगे या उनके दिल में जो ख्वाहिश आएगी वो तो उन्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन उन चीज़ों के अलावा हम उन्हें मजीद और बढ़ा कर देंगे, हम अपनी जानिब से भी देंगे। लहुम मा यशाउन फीहा वलदैना मजीद। तो ये जन्नत की इतनी बड़ी नेमत है और इतना बड़ा अजर है, किस बुनियाद पर है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक गुजारें तब हमें यह नेमत मिलनी। और